जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा 9 दिसंबर को ट्रैक्टर यात्रा निकाले जाने पर पुलिस ने जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख व समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण के खिलाफ महामारी फैलाने तथा धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिससे हापुड़ जनपद के समाजवादी कार्यकर्ता गण एवं पदाधिकारी गण एवं उनके समर्थकों में भारी रोष है। आपको बता दें कि छात्र सभा अध्यक्ष संजय गहलोत ने बताया कि सरकार द्वारा जो यह कृषि कानून पारित किए गए हैं, इनके विरोध में पूरे देश का किसान सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है तथा जगह जगह धरना एवं विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके विरोध में 9 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख अपने साथी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए धौलाना से हापुड़ तक ट्रैक्टरों पर किसान यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें ना तो ज्यादा भीड़ थी और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा था जिन्होंने मास्क ना पहना हो। सभी लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर थे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे थे, परंतु राज्य सरकार के इशारे पर जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख एवं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण के खिलाफ महामारी फैलाने तथा धारा 144 के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिससे हापुड़ जनपद के समाजवादी कार्यकर्ता गण एवं पदाधिकारी गण एवं उनके समर्थकों में भारी रोष है, क्योंकि वह FIR बिना किसी सत्यता, बिना किसी आधार एवं बिना किसी ठोस साक्ष्य के पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में आकर लिखी गई है, जिसको खारिज किया जाना न्याय हित एवं जनहित में अति आवश्यक है। और भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण धरना एवं विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है, और इस तरह FIR लिखने से मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, जिस कारण उक्त FIR को प्रत्येक रूप में खंडित किए जाने के बाद पारित किए जाए। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 14 से 15 दिन से किसान जो यूपी के बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर, के हरियाणा के बॉर्डर पे जो बड़े हैं बेचारे, मैं तो पढ़ा ही बोलूंगा, क्योंकि वो इस टाइम इस सरकार ने घर से बेघर करने का काम किया है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया, उन पे इस टाइम इतनी सर्दी में पानी छोड़ने का काम कर रहे हैं, पानी की बौछार करने का काम कर रहे हैं। मैंने तो कल भी टीवी में देखा, वहाँ पे दो हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं बीमारी के कारण, बीमार होने के कारण। आज जो हमने धरना दिया था, वो हमारा मेन मकसद धरना देने का ये था कि हमारे माननीय तेजपाल प्रमुख जिलाध्यक्ष हापुड़ समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ उन्होंने कल मुकदमा करने का काम करा, जबकि वो पार्टी की गाइडेंस के अनुसार वो चलते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी, जो पार्टी ने दिशा निर्देश दिए कि 15 तारीख तक आपको रेगुलर कुछ ना कुछ जिले के अंदर करना है, वो उसे लागू कर रहे थे और इन्होंने मुकदमा लिखने का काम करा। तो हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज एक SDM को ज्ञापन दिया और अपनी मांग रखी कि वो मुकदमे जो भी हैं वो वापस लिए जाए। हम किसान हित में हमेशा खड़ा होने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक ऐसी पदयात्रा करने की कोशिश करेंगे, और जो ये लोग बाज नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसी नीतियों से बाज नहीं आई, तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। NBCN न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।